रमा देवी को कौन नहीं जानता। जी हाँ, वही रमा देवी जिन्होंने आजम खान से माफी मंगवाई थी, एक बार नहीं दो बार। आपको बता दें कि रमा देवी बिहार के शिवहर से बीजेपी की सांसद हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, लेकिन जब स्पीकर चेयर पर नहीं होते हैं तो चुने हुए पैनल के सदस्य बारी बारी से चेयर पर बैठते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था लोकसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान, जब आजम खान की टिप्पणी से बवाल मच गया था और उसके बाद रमा देवी सुर्खियों में आ गई थी। वो वाक्य तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद तो ये वीडियो जरूर देखिए। आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी, नहीं नहीं नहीं, ये नजर तो हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात कीजिए। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी बहन तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी जी, धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात आप ये सब निकालिए रेकॉर्ड में। मेरी आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप। आप ये शब्द तो वापस ले लीजिए, ये ठीक नहीं है। ये शब्द जो आपने बोला वो ठीक नहीं है, वापस ले लीजिए। मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ, चार बार मंत्री रहा हूँ, नौ बार विधायक रहा हूँ, राज्यसभा सदस्य रहा हूँ। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मेरे से कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। तो देखा, अब फिर रमा देवी का ऐसा ही वाक्य देखने को मिला है, जब रमा देवी मंत्री जी के मजे लेते हुए नजर आई। जरा देखिए क्या हुआ था। माननीय मंत्री जी तो इतना विस्तार में मैंने उत्तर देकर हम लोग को संतुष्ट किया। ये प्रश्न संख्या 250। धन्यवाद। जवाब पटल पर रखा। धन्यवाद। चलो श्रीमती श्री पशुपतिनाथ, धन्यवाद बोल दिया ना उन्होंने मंत्री जी को। पूछना है? जी जी पूछे जी। पहले तो इतना अच्छा से जवाब दे दिए हैं कि थोड़ा सा हमको पूछना है, ज्यादा नहीं पूछना है। इतना एक्टिव मंत्री बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों से दुर्घटना बढ़ती है और इन दुर्घटनाओं से मौत भी होती है। जब कभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो सरकार धन उपलब्ध नहीं होने की बात करती है, लेकिन आज जो कुछ भी उत्तर दिए, धन कैसे लाएंगे, किस तरह उपयोग करेंगे, ये अच्छी तरह हमको समझाएं। मैं इसे संतुष्ट हूँ, जबकि टॉल की व्यवस्थाओं में करोड़ रुपये महीने में आय होती है। मैं एक सुझाव देती हूँ कि करोड़ रुपया आय आती है टॉल से, तो इस स्थिति में यह टॉल का प्रति 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह सरकार यातायात संबंधी टैक्स से काफ़ी धनराशि प्राप्त करती है। तो उसी माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानना चाहती हूँ कि विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत कार्यों के लिए मंत्रालय ने कितनी राशि की मांग की है एवं इसमें कितने धनराशि मरम्मत और रख रखाव के लिए मंत्रालय को प्राप्त है और मंत्रालय के धन की कमी को पूरा करने हेतु अतिरिक्त कदम उठाए हैं, जिसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी जी जी। तो देख लिया आपने, रमा देवी किस तरह से मंत्री जी की तारीफों के पुल बांध रही हैं, साथ ही हस्ती भी नजर आ रही है। सीधे तौर पर कहें कि वो मंत्री जी के मजे ले रही हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।